हाँ बच्चों, कैसे हो? तो डायमंड टेस्ट सीरीज के अंदर अपना AIOT 1 जो पेपर आज हुआ है ना, तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा ना। फिर भी कुछ डाउट्स अगर रहे हैं तो जूलॉजी में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करें? आओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिज्म, इट्स सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें जीव, इसके परिसंचरण तंत्र और श्वसन अंग के लिए अपने को एक इनकरेक्टली इमेज्ड ऑप्शन देख रहा है ना। तो देखो कि जैसे क्रस्टेशियन है, ऑर्थोपोड से रिलेटेड है, इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, सही है, और इनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, गिल्स, एक्वेटिक हैबिटेट का अडेप्टेशन है। अरेकनिड्स जो हैं, इनमें भी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें मकड़ी बिच्छू आते हैं, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, और इनके अंदर बुक लंग्स होते हैं, एरियल हैबिटेट का, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट का अडेप्टेशन है। लोकस्टा इंसेक्ट्स हैं, इनमें भी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और इनमें ट्रैकियल सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है। और देखें तो क्रस्टेशियन, अरेकनिड और लोकस्ट, ये तीनों ही ऑर्थोपोड्स में अलग अलग क्लास जो हैं उनके मेंबर्स हैं, लेकिन फेरिटिमा जो है वो एनालिड्स जो है उसमें अर्थवॉर्म है और इसमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, सही है, लेकिन इसके अंदर पैरापोडिया जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन अर्थवॉर्म के अंदर अब्सेंट होता है और इसकी जो बॉडी की स्किन है उसी के थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, है ना। तो यहाँ पर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आता है इस, लेकिन पैरापोडिया के कारण ये रॉन्ग हो गया, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एनिमल किंगडम से रिलेटेड है और इसमें पूछा कि हाउ मेनी एनिमल एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, जिसका मतलब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, पोलिप से मेडुसा और मेडुसा से पोलिप, है ना। तो ये जो है वो सिलेंट्रेट्स जो हैं उसके अंदर कुछ मेंबर ऐसा शो करते हैं और उसमें शर्त है कि इनके लाइफ के अंदर पोलिप स्टेज भी हो एंड मेडुसा भी हो, जैसे ओवेलिया है, फाइसेलिया है, इनमें पोलिप भी है, मेडुसा भी है, तो ये मेटाजेनेसिस करेंगे। लेकिन कुछ के अंदर ओनली पोलिप है जैसे हाइड्रा, कुछ के अंदर ओनली मेडुसा है जैसे ओरिलिया, तो इनमें मेटाजेनेसिस नहीं होता है, समझे। तो ओवेलिया में होगा, ओरिलिया ओनली मेडुसा है, हाइड्रा ओनली पोलिप है, फाइसेलिया में भी मेटा जो जेनेसिस है वो होगा, एडेमसिया सी एनिमोन है, ओनली पोलिप है, पेनेटोला और गोरगोनिया मेंड्रिना, ये सब कोरेल्स हैं ना। तो इनमें केवल ये 2 मेंबर हैं, ओपेलिया एंड फाइसेलिया, जिनके अंदर मेटाजेनेसिस जो है वो होगा, तो आंसर हो जाएगा 2। अगेन एनिमल किंगडम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और क्या देखना है, जिसमें एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड्स के रेस्पेक्ट में इनकरेक्ट देखना है ना, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। चलो देखते हैं। तो एम्फीबियन में मोश स्किन है विद नो स्केल्स, सही है, स्किन ग्लैंडुलर है जिसपे स्केल्स नहीं होते हैं। रेप्टाइल में ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है एंड ड्राई कॉर्निफाइड स्केल्स ऑन स्किन, सही है। एवीज जो है उनमें फिदर होते हैं एंड स्केल्स ऑन लेग्स, लेग्स हैं उनके ऊपर स्केल्स होते हैं, ये भी ठीक है। एम्फीबियन में एन टू वेस्ट जो है वो यूरिया होता है, सही है, लेकिन जैसे टैडपोल लार्वल स्टेज है, एक्वेटिक एम्फीबियन है जैसे सेलेमेंड्रा, वो अमोनोटेलिक होते हैं, लेकिन फ्रॉग वगैरह जो है वो यूरियोटेलिक है जिसमें यूरिया एक्सक्रीशन किया जाता है। रेप्टाइल्स में नाइट्रोजन वेस्ट इज यूरिया, नहीं, यहाँ पर आएगा यूरिक एसिड क्योंकि ये यूरिकोटेलिक होते हैं। एवीज में नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो अगेन यहाँ पर यूरिया दिया है, एवीज जो है उनके अंदर भी क्या होगा, यूरिक एसिड होगा, रेप्टाइल और एवीज जो है वो यूरिकोटेलिक होते हैं। एम्फीबियन में हर्ड 3 चैम्बर्ड है, सही है, रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर्ड है, सही है, एवीज में 4 चैम्बर्ड है, सही है, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड, ये भी सही है। तो गलत पूछा था और गलत 2nd हो जाएगा, और वो भी क्यों होगा, यूरिया के कारण, है ना, दोनों ही जगह यूरिया की जगह यूरिक एसिड आएगा। ठीक है, पढ़ते आगे। ये जो है वो कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन है और कॉकरोच के अंदर बॉडी की डोर्सल साइड कौन कौन सी स्ट्रक्चर है उसके रेस्पेक्ट में जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, तो ए लिस्ट ऑफ सम स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच इज गिवन बिलो इन द बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ बॉडी, है ना, डोर्सल सरफेस जो है उससे रिलेटेड जो है स्ट्रक्चर देखनी है। तो
कॉकरोच का जो हर्ट है वो डोर्सल होता है, सही है। स्पिरेकल जो है वो लेटरल होते हैं, लेटरल। नर्व कॉर्ड वेंट्रल होती है। कंपाउंड आई हेड में डोर्सो लेटरल ही होती है ना, तो ये भी डोर्सल आ गया। और टर्गाइड जो है वो डोर्सल होते हैं, सही है। गोनोपोर जो है वो डोर्सल नहीं है। गोनोपोर अगर देखें तो फीमेल में सबसे वेंट्रल होते हैं और मेल में एनस के वेंट्रल होते हैं, तो डोर्सल भी इसको नहीं लेंगे। एनस जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डोर्सल होगा। तो 1, 2, 3 एंड 4, फोर स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं जो क्या है, डोर्सली लोकेटेड हैं। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एपिथेलिया। ठीक है, तो देखते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर, एक्टोडम, मिजोडम एज वेल एज एंडोडम। तीनों जर्मिनल लेयर से ये बन सकती है, एक्टोडम से एपिडर्मिस, मिजोडम से मिजोथीलियम और एंडोडम से एंडोथीलियम। तीनों से इवॉल्व होते हैं। वेस्कुलराइज नहीं होती है, इनके बीच में गैप काफ़ी कम होता है, इसलिए ब्लड वेसल जो उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ए वेस्कुलराइज होती है। सेल्स हैव रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन, सही है। इट कैन फॉर्म सिंगल लेयर, ये भी सही है। तो गलत पूछा है, इनकरेक्ट, और गलत कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। दो स्टेटमेंट दिए, चलो देखते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ टू एंड मोर लेयर ऑफ सेल, सही है, क्योंकि ज्यादा लेयर होती है उसमें। कंपाउंड एपिथेलियम हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये भी सही है ना। दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं। व्हेन विविंग viewing an object close to your eyes, जब भी हमारे आँखों के पास में कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग देखते हैं, तो उस दौरान which of the following are required for proper image formation on the retina, ना। तो अगर पास के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं तो जो सीलियरी बॉडी है उसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, इससे सस्पेंसरी लिगामेंट में जो टेंशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ जाएगा, और वो ज़्यादा जो है एक तरीके से राउंड होने की कोशिश करेगा, या मैं कह सकता हूँ कि और ज़्यादा जो है उसके अंदर वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, जिससे इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर फोकस होके लाइट इमेज प्रॉपर बन पाती है। तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सीलियरी बॉडी मसल सही है, और अगर ऐसा हुआ तो सस्पेंस लिगामेंट में टेंशन कम हो जाएगा और इससे लेंस जो है वो अंदर की तरफ जो रिलैक्स होगा, लेकिन सिलियरी बॉडी की जो मसल्स है उसमें रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो इसके अंदर आंसर होगा ए एंड बी। और यही अगर फार ऑब्जेक्ट देखेंगे तब सिलियरी मसल में जो है वो रिलैक्सेशन हो जाएगा और सस्पेंस लिगामेंट में टेंशन बढ़ जाएगा और लेंस बाहर की तरफ खींचेगा। ठीक है, हाउ मेनी प्रोजेक्टिंग रेज आर प्रेजेंट इन लेबरेंथ एसोसिएटेड विद बॉडी बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। इंटरनल ईयर के अंदर जो वेस्टिबुलर अपरेटस है उसमें तीन तो है सेमी सर्कुलर कैनाल, और ऑटोलिथ ऑर्गन के अंदर अपर एंड लोअर यूटिकुलस एंड सेक्यूल है। सेमी सर्कुलर केनाल के बेस पे तीन क्रिस टेम्पलेरिस हैं जो डायनेमिक बैलेंस से रिलेटेड है, और ये प्रोजेक्टिंग रिज ही हैं, सेंसरी रिसेप्टर ही हैं, इनमें हेयर सेल होती हैं। और ऑटोलिथ ऑर्गन जो है उनके अंदर यूटिकुलस सेक्यूल जो है उसके अंदर जो है वो मैक्यूली है, और अगर देखें तो क्रिस टेम्पलेरिस एक ईयर के अंदर तीन है और मैक्यूली दो हैं, तो ये अगर दोनों साइड का टोटल करें तो आपका कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 6 तो जाएंगे क्रिस टेम्पलेरिस और 4 हो जाएंगे मैक्यूली। द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशन एंड मोटिवेशन, द लिम्बिक सिस्टम वर्क टुगेदर विथ, मतलब इन सबको कंट्रोल करने के लिए लिम्बिक सिस्टम किसके साथ तो मिलकर वर्क करेगा, तो हाइपोथैलेमस इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। ओके, तो इवोल्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कुछ रेप्टाइल पानी के अंदर वापस चले गए जो मछली जैसे नजर आ रहे थे, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और ये डेटा 200 MYA का तो है, लेकिन ये एक थायोसोरस के रेस्पेक्ट में, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 3rd। एनसीईआरटी में ही अर्ली रेप्टाइल से मैमल्स और जो बर्ड्स और रेप्टाइल है उनके ओरिजिन का एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें अर्ली रेप्टाइल से जो है साइनेप्सिड बना था, उस साइनेप्सिड से पिलेकोसोरस, पिलेकोसोरस से थेरेप्सिडा, और थेरेप्सिडा से मैमल बना था, लेकिन वो हमारी इवोल्यूशन की लाइन थी,
लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अर्ली रेप्टाइल से सॉरोप्सिड बना था, और उस सॉरोप्सिड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पूछा है कि कौन 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 से ऐसे हैं जो सॉरोप्सिड से इवोल्व हुए हैं ना, तो टेरोटोराज हैं, बर्ड्स उनसे रिलेटेड है, स्नेक्स उनसे रिलेटेड है, और क्रोकोडाइल भी उनसे रिलेटेड है, मैमल्स और प्लेकोसोरस जो है वो साइनेप्स जो लाइन है उनसे इन्वॉल्व है। तो आंसर हो जाएगा ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। सेकेंड, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर मिलेनाइज्ड मोथ। नहीं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो पोल्यूशन कम था, तो लाइट कलर के जो मोथ थे वो ज्यादा थे, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर क्या है कि डार्क कलर इन मोथ इवोल्व ड्यू टू म्यूटेशन इंड्यूस बाय केमिकल प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल स्मोक। नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब स्मोक बढ़ा था तो उसकी वजह से जो लाइकेन थी उसकी ग्रोथ कम हो गई थी, तो ऐसे में जो व्हाइट कलर के जो मोथ थे उनकी फिटनेस जो थी वो कम हो गई थी, क्योंकि उनको प्रेडेटरी बर्ड्स उनको देख पा रहे थे और उनको वो कैप्चर कर रहे थे। ऐसे में डार्क कलर वाले जो थे जिनके अंदर मिलेनियन प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो वो अपने हैबिटेट में छुप गए थे, कैमोफ्लेज कर रहे थे, तो उनकी फिटनेस बढ़ गई, उनका नेचुरल सिलेक्शन ज़्यादा हुआ। तो वो नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ऐसा हुआ है, न कि किसी केमिकल ने म्यूटेशन कॉज किया, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है इसके अंदर सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4। इनकरेक्ट देखना है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के लिए। ओके, 4000 ईयर अर्थ के लिए सही है, और उसमें बताया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बने थे वैसे के वैसे आज भी हैं, ये भी ठीक है, और डाइवर्सिटी हमेशा सेम थी सेम रहेगी आगे भी, ये भी उससे रिलेटेड है। लेकिन ये जो है ये पैनस्पर्मिया थ्योरी का है, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4। हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर जो हैं उनके बारे में, तो पहला हो जाएगा जिसमें बच्चा किसी डेफिशिएंसी के साथ जन्म लेता है, इन्फेक्शन हो जाएगा, हैबिट लाइफस्टाइल हो जाएगा, फूड वगैरह, ये सब हेल्थ या हमारे हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। सांप के काटने पे डेडलीस्ट पैथोजन बॉडी में इंजेक्ट होते हैं ना, तो ऐसे में बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में 10 से 12 या 15 दिन लगाता है। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जो वेनम अंदर गया है तो उससे बॉडी के लिए वो डेंजरस है, तो ऐसे में बॉडी के अंदर तुरंत रेडीमेड एंटीबॉडीज इंजेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो इस प्रोसेस में टाइम लगाता है, और रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं तो वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन है, जिसमें एंटी सीरा बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होती है, तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और इसके अंदर अपने को गलत देखना है, ठीक है। कैंसर सेल्स लैक द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, सही है। अगर बहुत ज़्यादा डेंसिटी में सेल्स ग्रोथ कर रही है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, फिर भी सेल साइकिल रुकता नहीं है, चलता रहता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन उनमें नहीं होता। नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो प्रेजेंट होता है, कैंसर सेल में एबसेंट होता है, तो ये मतलब फर्स्ट तो सही है। MRI यूज एक्सरे नहीं, MRI नहीं बल्कि जो सिटी स्कैन जो है कंप्यूटर टोमोग्राफी उसमें एक्सरे का यूज होता है, ये गलत हो गया। बाकी देखना, एड्स वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो टी लिम्फोसाइट जो है टी हेल्पर सेल उनको डिस्ट्रॉय करता है। एड्स पेशेंट जो है मतलब एड्स जो डिजीज है वो काफ़ी डेंजरस डिजीज है, जिसका जिसके डिटेक्शन के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है, और उसको कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक यूज की जाती है। वेस्टर्न ब्लोटिंग के अंदर जो पैथोजन है उसके अंदर HIV प्रोटीन को डिटेक्ट किया जाता है, जैसे एलाइजा है, PCR है, उनसे डायग्नोसिस हो जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ट्रीटमेंट से पहले कंफर्म करना चाहता है कि इसके अंदर डिजीज HIV वायरस वास्तव में है या नहीं, तो उसको कंफर्म करने के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है उसमें वेस्टर्न ब्लोटिंग होती है, जिसमें HIV वायरस जो है उसकी P24 प्रोटीन जो है उसको डिटेक्ट किया जाता है ना, तो ये भी ठीक है। तो इसमें गलत पूछा था, जो कौन सा हो जाएगा 2। इंडिया और चाइना में पूरे वर्ल्ड का जो लाइव स्टॉक है वो 75% है, लेकिन प्रोडक्टिविटी प्रॉपर मैनेजमेंट की कमी के कारण काफ़ी कम है, और वो प्रोडक्टिविटी कितनी है 25%। कॉलम मैचिंग वाला क्वेश्चन है, चलो देखते हैं।
और जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो ग्रेगर जोहन मेंडल जो है, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सेकंड हो गया, सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोजोमल थ्योरी दी थी फर्स्ट हो गया, हैंकिंग ने जो है एक्स बॉडीज के रिगार्डिंग बताया था फोर हो गया, और मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के रेस्पेक्ट में बात की थी, है ना। तो इस तरीके से ए का टू, बी का वन, सी का फोर एंड डी का थर्ड फर्स्ट आंसर हो जाएगा। हनीबी के रेस्पेक्ट में हैप्लोइडी डिप्लोइडी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मेल हैप्लोइड होता है, फीमेल डिप्लोइड होती है, ड्रोन जो है वो पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं, सही है, मेल जो है अगर पार्थेनोजेनेसिस से बना है ड्रोन तो वो पहले से नेचुरली हैप्लोइड है, तो वो माइटोसिस से गैमेट बनाएगा, ये भी सही है, और मेल जो है उनके अगर बात करें तो फीमेल के अनफर्टिलाइज एक से मेल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मेल के केवल मदर है, फादर नहीं है, अगर फादर नहीं है तो उसके सन भी नहीं होगा, लेकिन जो मेल है उसके ग्रैंड फादर होगा, अगर ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड सन भी होगा, क्योंकि मेल की जो मदर है क्वीन, उस क्वीन के तो फादर है ही, तो क्वीन का जो फादर है वो ड्रोन के क्या हो गया, ग्रैंड फादर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखें कि दोनों पेरेंट्स जो वो नॉर्मल है, उनमें डिजीज नहीं है, तो अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं उनमें डिजीज नहीं है, यानी न तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है और न ही एक्स लिंक डोमिनेंट, है ना, और लेकिन पेरेंट्स नॉर्मल है और कुछ प्रोजेनी में डिजीज है, यानी ये रिसेसिव हो सकती है, समझे। और इस केस में अब हमले को इसके अंदर क्या देखना है, कैन नॉट बी ट्रू, है ना, मतलब तीन सही है गलत है। चलो पहला देखते हैं कि द ट्रेट कंसिडर्ड हियर कैन बी एक्स लिंक डोमिनेंट, तो नहीं है, न तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है और नहीं एक्स लिंक डोमिनेंट है, बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द ट्रेट, ये हो सकता है ऑटोसोमल रिसेसिव में कि दोनों कैरियर हैं तो इन बच्चों के अंदर डिजीज आ गई, और जो ये ए है फीमेल, इसमें ट्रेट का कोई एक एलील हो सकता है, तभी देखो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए कंडीशन आ गई, है ना। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वन फॉर कैरिंग द एलील, एफ वन में भी ए, ऑफ द कैरिंग द एलील ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट इज 100%, हाँ 100% उसके पास उस ट्रेट का एक एलील मौजूद है, ये भी ठीक है, और क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है तो उसके रेस्पेक्ट में ये सिकल सेल एनीमिया भी हो सकता है ना। तो गलत पूछा था, तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर ह्यूमन टीथ। ओके, इन ह्यूमन थिकोडोंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन विच टूथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट्स ऑफ जो बोन, की जबड़े की जो बोन है उनमें दांत धसे हुए रहते हैं, सही है। ज़्यादातर मैमल्स के अंदर जो टीथ है वो लाइफ में दो बार आते हैं, ये भी ठीक है। ह्यूमन जो है उसमें हेटेरोडोंट टाइप का डेंटेशन होता है, मतलब जो टीथ है वो एक जैसे नहीं होते, ये भी ठीक है। और जो टीथ का अरेंजमेंट है अपर और लोअर जो के आधे भाग में, वो इंसिजर के नाइन प्री मोलर एंड मोलर की फॉर्म में, मतलब इस ऑर्डर में, इस फॉर्म में 2, 1, 2, 3, ये भी ठीक है। आउटर लेयर ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनेमल, ये गलत हो गया, पल्प कैविटी की जगह इनेमल आता, एंड इनर लेयर ऑफ टीथ वहां पे आता डेंटाइन, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गए दोनों, तो सही कितने हो गए, सही तो पूछेंगे, करेक्ट पूछ रहे तो सही हो जाएंगे अपने कितने, 4। ओके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिए और इसके अंदर पूछा है इस डायग्राम में कि कौन कौन से जो स्ट्रक्चर है वो पर्टिकुलर इन सब्सटेंस को बना रहे हैं, ना। चलो देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, तो बाइल जूस के रिलेशन में 4 लीवर हो जाएगा, बाइल जूस तो 4। उसके बाद सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, वो हो जाएगा अपने पेनक्रियाज इंसुलिन, तो इसका मतलब 4 के बाद आएगा 1। और उसके बाद क्या दिया है, स्टोरेज ऑफ फिकल मैटर, और वो हो जाएगा अपना क्या, रेक्टम 2, तो 4, 1, 2 आंसर हो जाएगा सेकेंड। विच वन इज नॉट हैपन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के दौरान क्या नहीं होता है, तो डायफ्राम का कॉन्ट्रेक्शन तो होता है और EICM का कॉन्ट्रेक्शन भी होता है, वॉल्यूम थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ता है, प्रेशर घटता है, लेकिन EICM का रिलैक्सेशन नहीं होता, ये गड़बड़ हो गया। कॉलम मैचिंग करते हैं, लैरिक्स जो है इसके लिए हो जाएगा वॉइस बॉक्स, ट्रेकिया के लिए विंड पाइप, एल्वियोलाई के लिए एयर सेक, और एपिग्लोटिस के लिए लिड ऑफ लैरिक्स, है ना। तो
ए का थ्री तीनों में है और बी का फोर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और सी का टू, सी का टू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और डी का वन, डी का वन ये रहता है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। मूवमेंट लोकोमोशन वाला है चैप्टर से क्वेश्चन है, कॉलम मैचिंग वाला। और क्या पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग देखना। ओके, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वो फ्रंटल पेराइटल बोन के बीच में नहीं, ये फाइब्रस जॉइंट होता, गलत हो गया। पाइवोट जॉइंट जो है वो फर्स्ट और सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में होता, गलत हो गया। हिंज जॉइंट जो है वो अपने जो फैलेंजेस हैं इनके बीच में होता है और इसके अलावा नी वाला भी है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल दे रखा है, ये गड़बड़ हो गया, तो बॉल एंड सॉकेट है ये भी गड़बड़ हो गया। ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच में, ये परफेक्ट है, चार नंबर आंसर हो जाएगा। गलत देखना अपने को मास्थेनिया ग्रेविस के लिए, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ACH का रिसेप्टर जो उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बन के उस रिसेप्टर को खराब कर देता है, ऐसे में मसल एक्टिवेट नहीं हो पाती है और बिना कॉन्ट्रेक्शन की वजह से वो वीक होकर के लास्ट के अंदर पैरालिसिस हो जाता है ना। तो इन्वॉल्व इन डीजनरेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सही है, इट इज कैरेक्टराइज बाय फैटिग वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, ये भी ठीक है। इट इज जनरली कंसिडर्ड ए जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसके अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं सार्कोलेमा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो ACH रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट है ना, तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से यहाँ पर गलत हो गया। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज एल्डोस्टेरोन एक्सर्ट इट ग्रेटेस्ट इफेक्ट, जब भी ब्लड वॉल्यूम कम होगा वाटर सॉल्यूट के कम होने के कारण, तो ऐसे में GFR कम हो जाती है और उसी समय जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स है उनका लेवल बढ़ता है ना। तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज एल्डोस्टेरोन एक्सर्ट इट्स इफेक्ट ग्रेटेस्ट, और सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट कहाँ होता है, DCT के ऊपर होता है, पोमिन कैप्सूल नहीं, कुछ PCT पे भी है, कुछ गैलेक्टिन डक्ट पे भी है ना, इन एरिया में नहीं है, DCT पे, जहाँ पे Na+ एंड वाटर का रीअब्सॉर्प्शन प्रमोट करता है और K+ का सिक्रेशन प्रमोट करता है, ठीक है। ओके, किडनी का जो फंक्शन है उसकी जो मॉनिटरिंग है उसके रेस्पेक्ट में देखें, तो जब भी GFR कम होती है तो ऐसे में जो RAS सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, और आप लोग जानते हैं कि जो JG सेल है वो उसका एक्टिवेशन होता है, मैक्यूला डेंसा का एक्टिवेशन होता है, ऊपर हाइपोथैलेमस की बात करें तो वहाँ पर ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और फिर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है ना। तो द फंक्शन ऑफ किडनी इज मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द ना, तो PCT के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे, DCT तो चलो ठीक है, JGA हो जाएगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, उसमें भी JG सेल और इसके अलावा मैक्यूलर डेंसा DCT वाली, हाइपोथैलेमस भी हो जाएगा और कुछ इफेक्ट उसमें हर्ट का भी है, वो ENF बनाता है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकेंड। गर्मियों के मौसम में जब अल्कोहल इंटेक किया जाता है तो अल्कोहल जो है उसका इफेक्ट जो है वो हाइपोथैलेमस के रेस्पेक्ट में देखें तो वो ADH के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है ना, तो अगर ADH का सिक्रेशन इनहिबिट होगा तो इससे वाटर रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, इससे ब्लड वॉल्यूम कम होगा क्योंकि यूरिन वॉल्यूम जो बढ़ता है ना। तो इसी के रेस्पेक्ट में अपने को ये क्वेश्चन पूछा है कि अल्कोहल के यूटिलाइजेशन के कारण जो है वो किसका जो सिक्रेशन है वो अफेक्टेड होता है, तो वो हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और क्या पूछ रहा है उसमें, करेक्ट देखना अपने को, और ये करेक्ट स्टेटमेंट किसके रेस्पेक्ट में, पीनियल ग्लैंड के। ओके, तो रेगुलेशन और पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, तो मेलेटोनिन हार्मोन के फंक्शन देखने हैं, तो देखना रेगुलेशन ऑफ डायूरनल रिदम डे नाइट साइकिल को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म पिगमेंटेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफेंस कैपेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है और इट इनहिबिट अपटेक एंड यूटिलाइजर ऑफ एमिनो एसिड पे इसका कोई इफेक्ट ऐसा नहीं है ना, तो A, B and C, तो कितने स्टेटमेंट हो जाएंगे, तीन। अगला, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट PTH पैराथायराइड हार्मोन, जब भी बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सेमिक कंडीशन होगी तो हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन PTH रिलीज होगा और ये बॉडी के अंदर नेफ्रोन से कैल्शियम को रीअब्जर्व कराएगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम को ऑब्जर्व कराएगा, बोन जो है उनका डीकैल्सिफिकेशन करा के ऑस्टियोक्लास्ट के थ्रू कैल्शियम को ब्लड में रिलीज कराएगा, तो ये देखना है अपने को, इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, तो इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन
एंड इट इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग कैल्शियम लेवल, ठीक है, इट इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल एंड इट इज हाइपर कैल्शियमिक हॉर्मोन, ये भी ठीक है, इट एक्ट ऑन बोन एंड स्टिमुलेट डीमिनरलाइजेशन, ये भी ठीक है, इट इज एमाइन हॉर्मोन, नहीं एमाइन हॉर्मोन नहीं है जैसे ऊपर लिखा पेप्टाइड, ये ठीक है, एंड इट्स रेगुलेटेड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन, तो ये थोड़ा सा एमाइन जो है इसके कारण ये स्टेटमेंट जो गड़बड़ हो गया, तो आंसर हो जाएगा 4। ओके, इओसिनोफिल रेसिस्ट इन्फेक्शन अगर देखें तो जो पैरासाइट्स हैं उनके इन्फेक्शन को ये कम करता है, आरबीसी के रिसेप्ट में गैसियस ट्रांसपोर्ट ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट, प्लेटलेट जो वो कोएगुलेशन, और सिस्टोल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सा लेंगे, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको मैच कर सकते हैं, तो एक का तीन में आ रहा है, सभी में आ रहा है, बी का 4, बी का 5 एंड सी का टू ये यही, और इसके बाद डी का वन एंड ई का 4 सेकेंड आंसर। हिपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट है और हिपेरिन जो वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकता है ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों आर वाला उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होके थ्रोम्बिन फिर जो फाइब्रिनोजन है उनको फाइब्रिन में चेंज करता है और वही फाइब्रिन फाइनली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद इट्स एग्जांपल, ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन प्लेन एरिया में होता है हॉरिजॉन्टली, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन युग्लिना वोर्टिसिला में होता है, प्रोटोजोअन है, सही है, मल्टीपल फिजन मोनोसिस्टिस में भी होता है, प्लाज्मोडियम में भी होता है और इवन अमीबा में स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी होता है, लेकिन सिंपल बाइनरी फिजन की अगर बात करें जिसमें डिवीजन का एक्सेस डिसाइड नहीं है, अमीबा में होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, पैरामीशियम के अंदर सिंपल बाइनरी फिजन नहीं होता है, उसके अंदर डिवीजन का एक्सेस फिक्स है ना, इसलिए ये वाला जो रॉन्ग हो गया। ओके, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मेन रीजन पूछा है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्यों होती है, अगेन ल्यूटियल फेज के नेक्स्ट वापस मेंसेस फेज क्यों आती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसके लेवल के कम होने के कारण, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही कम होगा तो एंडोमेट्रियम में वह जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और इससे ब्लड सप्लाई रुकते ही वहाँ की सेल जो है वो इस्कीमिया की वजह से उनकी डेथ होगी और फिर उस लेयर की सेडिंग होती है, ठीक है, ब्लड की फॉर्म में। ओके, उसके नेक्स्ट जो है यूनिट 2 के क्वेश्चन, इन फीमेल इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर एट साइट अदर देन यूट्रस, यूट्रस के अलावा कहीं इम्प्लांटेशन होता है उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सेकंड आंसर हो जाएगा। ग्रेविडेक्स टेस्ट की अगर बात करें तो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए होता है, तो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी ब्लड के अंदर एचसीजी हार्मोन होता है और वो एचसीजी हार्मोन जो है उसका लॉस यूरिन के थ्रू बॉडी से होता है, तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है उसके अंदर उस एचसीजी एक एंटीजन के फॉर्म में है और उसका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उस टेस्टिंग किट में होता है, तो जैसे यूरिन की ड्रॉप डाली जाती है तो उसके थ्रू एचसीजी उसमें इंट्रोड्यूस होता है और अगर एचसीजी यूरिन में है तो वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा और दो बैंड आते हैं ना, तो वो ग्रेविडेक्स टेस्ट है और ये कन्फर्म करता है इसको प्रेगनेंसी को, ठीक है। विच हॉर्मोन सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड रिड्यूस यूट्राइन मूवमेंट, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से रिलेटेड है, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको। फीमेल कॉन्डोम के रेस्पेक्ट में है और ये फर्टिलाइजेशन को भी रोकता है और एसटीडी को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि फीमेल कॉन्डोम सर्विक्स वेजाइना को भी कवर करता है लेकिन डायफ्राम सर्वाइकल के पोल्ट के वो केवल सर्विक्स को कवर करता है, वो केवल फर्टिलाइजेशन को रोक रहा था एसटीडी को नहीं, लेकिन फीमेल कॉन्डोम एसटीडी फर्टिलाइजेशन दोनों को। जीआईएफटी कौन सी लेडीज के लिए सूटेबल है, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर उन लेडीज के लिए सही है जो खुद ओवा गेमेट बनाने में कैपेबल नहीं है लेकिन फर्टिलाइजेशन की साइट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की साइट कैपेबल मतलब प्रोवाइड करने में कैपेबल है ना, तो आर अनएबल टू प्रोड्यूस ओवम हो जाएगा। ओके, बायोटेक से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके अंदर जो रिकॉम्बिनेंट हैं ट्रांसफॉर्म्ड हैं उन बैक्टीरिया के
सेलेक्शन पे भेज दिया क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि रेप्लिका प्लेटिंग मेथड को रिप्रेजेंट किया गया है, और इसके अंदर अपने को PBR 322 जो वेक्टर है उसको यूज करते हुए यहाँ पे सिलेक्शन की बात हुई है। तो देखना जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सेलेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इफ BAMH फर्स्ट इज यूज एज ए क्लोनिंग साइट इन PBR 322। और अगर BAMH फर्स्ट साइट को अगर यूज किया गया तो आप लोग जानते हैं कि ये साइट PBR 322 के अंदर जो टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उस जीन के अंदर BAMH फर्स्ट साइट प्रेजेंट होती है। इसका मतलब अगर इस साइट को यूज किया तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टेट्रासाइक्लिन का होगा ना। तो स्टार्टिंग के अंदर जो मीडियम है पेट्री डिश के अंदर इसमें एंटीबायोटिक नहीं है, यानी यहाँ पर बैक्टीरिया पे किसी भी टाइप का कोई सेलेक्टिव प्रेशर नहीं है, और चाहे कैसी भी बैक्टीरियल कॉलोनी हो, वो चाहे ट्रांसफॉर्म्ड हो चाहे ना हो, वो चाहे रिकॉम्बिनेंट हो चाहे ना हो, सभी ग्रोथ करेंगे। तो देखना ए भी ग्रोथ कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है, लेकिन जैसे इसकी प्लेटिंग एक ऐसी पेट्री डिश पे हुई जिसमें ग्रोथ मीडियम में एम्पिसिलिन है, तो अगर ग्रोथ मीडियम में एम्पिसिलिन है तो इसका मतलब है अब सेलेक्टिव प्रेशर ऑपरेट होगा, और ऐसे में उन्हीं बैक्टीरियल सेल्स की ग्रोथ होगी जिनके अंदर प्लाज्मिड है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बी एंड सी दोनों कॉलोनीज के बैक्टीरिया में ग्रोथ हुई है, यानी इसका मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्म्ड है और इनके अंदर जो बैक्टीरिया है सॉरी इनके अंदर प्लाज्मिड की प्रेजेंस है, और प्लाज्मिड है तो इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होगा। लेकिन आप लोग ए कॉलोनी देखें, ये रेजिस्टेंट ये सेंसिटिव स्ट्रेन है और ये दोनों रेजिस्टेंस स्ट्रेन है। ए कॉलोनी की बात करें तो ए कॉलोनी जो है उसके अंदर प्लाज्मिड की एंट्री नहीं हुई होगी। ऐसे में अगर इसमें प्लाज्मिड नहीं है तो ऐसे में इसके अंदर न तो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस होगी और न ही टेट्रासाइक्लिन के लिए, है ना। तो इसका मतलब है कि ये तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, और न ही अगर नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है तो रिकॉम्बिनेंट भी नहीं है। अब बात आती है बी एंड सी की। अब इसकी नेक्स्ट जब इनको एक नई पेट्री डिश पे ट्रांसफर किया जाएगा जिसमें ग्रोथ मीडियम में टेट्रासाइक्लिन है, तो अब यहाँ आप लोग देखें कि सी जो कॉलोनी है उसके बैक्टीरिया की डेथ होनी स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है टेट्रासाइक्लिन जो है उस पर सी कॉलोनी के बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है सी कॉलोनी के जो बैक्टीरिया है उनके अंदर जो प्लाज्मिड है उसमें टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, यानी सी कॉलोनी वाले बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड भी हैं और रिकॉम्बिनेंट भी हैं, लेकिन बी कॉलोनी वाले बैक्टीरिया ओनली ट्रांसफॉर्म्ड है, रिकॉम्बिनेंट नहीं है, और ए वाले न तो ट्रांसफॉर्म्ड है और न ही रिकॉम्बिनेंट है, समझे। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखें कॉलोनी ए बी एंड सी में तो परफेक्ट ऑप्शन अपना है तो ए के लिए लिखा है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, और इसमें लिखा है कि कैनॉट ग्रो ऑन एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन मीडियम, ठीक है। बी के लिए देखना ट्रांसफॉर्म्ड विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट वैक्टर, ये ट्रांसफॉर्म्ड तो है लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं है क्योंकि उसमें ट्रांस जीन जो है अपना डिजायरेबल जीन वो इंसर्ट नहीं हुआ है, इसीलिए ये दोनों मीडियम पे ग्रोथ कर सकता है, एम्पिसिलिन पे भी और टेट्रासाइक्लिन पे भी। लेकिन सी के रेस्पेक्ट में देखना ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ये देखो ये ट्रांसफॉर्म्ड है और इसमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी, यानी ट्रांसफॉर्म्ड भी और रिकॉम्बिनेंट भी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, 4। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है कि वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ए, मतलब एक जीन जैसे मान लो दो जीन के उसके अंदर है, एम्पिसिलिन है टेट्रासाइक्लिन है मान लो, तो एम्पिसिलिन जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड के सेलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, टू स्टेप सेलेक्शन वाला फिनोमेना है ना। तो पहला जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसकी हेल्प से हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं, और जो दूसरा है वेयर द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शनल ऑफ एलियन डीएनए हेल्प इन सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, है ना। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, फर्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट। ओके अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बाद में जब प्रोडक्ट बन जाता है तो अलग अलग मेथड से जो है जो प्रोडक्ट है उसकी रिकवरी की जाती है,
तो उससे रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में अपने को गलत देखना है। तो सबसे पहला दिया है लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं, ये तो डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट प्रोसेसिंग से पहले ही हो जाता है। तो ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है, उसमें उसका पार्ट फिर है क्या, प्रोडक्ट जो है उससे रिलेटेड सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कि उसकी क्वालिटी कैसी है, अलग अलग मॉडल ऑर्गेनिज्म पे मान लो कोई वैक्सीन है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है, और ये बायोसिंथेटिक स्टेज के बाद किया जाता है, इसीलिए अपने लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाला इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा लंग्स में एल्विओलाई से रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें स्मोकिंग की वजह से एल्विओलर सेप्टा डैमेज हो जाते हैं और इससे गैसेस एक्सचेंज का सरफेस एरिया भी कम हो जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है, एक प्रोटीन है ये। क्राई एंडोटॉक्सिन ऑब्टेंड फ्रॉम बैसिलस थ्योरिंजेनेसिस आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, तो ये इंसेक्ट के अगेंस्ट इफेक्टिव है, निमेटोड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, समझे। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो वो है इंसुलिन हार्मोन जो सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया गया था इकोलाई की हेल्प से। ओके ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन कुछ जो अपने जूलॉजी से रिलेटेड थे वन बाय वन सभी को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको हेल्प मिली होगी, ठीक है। तो आगे जितने भी टेस्ट हैं उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार यादव, टीम बोटनी सीएलसी। तो जैसा कि आज अपन पेपर सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं, आपका जो फर्स्ट ऑल इंडिया ओपन टेस्ट हुआ है उसका बोटनी का जो पोर्शन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। मेरा मानना है पेपर अच्छा हुआ होगा। और अब बच्चों देखो, इम्तिहान की घड़ी आपकी आ चुकी है, अब आपको केवल टारगेट करना है आपके टारगेट स्कोर पे। ओके, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, पूरी साल मेहनत की है, तो अब आपका जो उद्देश्य है, जो मेन एम है, वो है आपको अच्छा स्कोर गेन करना। और जितना स्कोर इनमें गेन करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन सही होंगे, उतना स्कोर आप वहाँ अचीव कर पाओगे। तो अब आप केवल फोकस करें अपनी स्पीड पे और एक्यूरेसी पे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, आंसर पे डायरेक्ट अप्रोच करना सीख लो बेटा, क्योंकि अब आपको केवल स्कोर ही फायदा दे पाएगा। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से, जिसमें बोटनी का पोर्शन है, तो स्टार्ट किया जाए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 47 इकोलॉजी के क्वेश्चन से है स्टार्टिंग में। एन ओवर हेल्मिंग मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन ए कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। तो ये क्या कह रहा है कि जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज हो जाता है। तो अपन ये जितने भी हैं, बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द एम्बियंट टेम्परेचर, मतलब एटमोस्फेरिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है, तो उनको अपन क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, वी आर रेगुलेटर, तो अपन अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, एक्सटर्नल टेम्परेचर के अगेंस्ट मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाते। तो मोस्टली जो है आपके 99% एनिमल और कौन, जो प्लांट्स हैं, वो क्या है, कन्फॉर्मर, और एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, दीज आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी गिवन टाइम विच वेर इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑल्सो ऑन ए सीजनल बेसिस इज नोन एज, डायरेक्ट पूछ लिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो वहां पर इकोसिस्टम में जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है उनका जो अमाउंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, सीधा पढ़ा है आपने, स्टैंडिंग स्टेट। देखो ये सारे वर्ड आपके क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन कहीं वेरी कर सकता है। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है, ये है अमाउंट ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर टाइम इन गिवन एरिया इन इकोसिस्टम, तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। और यहां पूछा है आपके जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर क्या चला जाएगा, स्टैंडिंग स्टेट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ओड वन विद रेस्पेक्ट इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। ओके, जो स्व स्थानीय संरक्षण है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें उसमें आपको किसको सेलेक्ट करना है, ओड वन को। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो यहाँ ध्यान से देखें, जो फर्स्ट है, सेकंड और फोर्थ है, ये किस में आ जाएंगे आपके, इन सीटू में। ये जो वाइल्ड सफारी पार्क्स हैं, जैसे पार्क वगैरह नहीं होते, जस्ट लाइक जू, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, जो विजिटर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट अट्रैक्ट करने के लिए बाकी के जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है,
विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये किस में आ जाएगा, ये X2 में माना जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि ओड वन हो गया, बाकी ये क्या है, ये इन सीटू में और ये X2 का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मिसमैच विद रेस्पेक्ट टू पोल्यूटेंट एंड देयर ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल इश्यूज है बेटा, वहां से अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। तो लास्ट में जो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव पार्ट है उनको किसी को नहीं छोड़ना, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाले जाते हैं और हर चैप्टर का अपना एक वेटेज, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे स्टेटमेंट क्लियर करने हैं। हॉस्पिटल, इसने पूछा क्या, देखो विद रेस्पेक्ट मिसमैच कौन सा है, हॉस्पिटल वेस्ट रिसाइकलिंग, बेटा जो हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं उनकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती है, आपको पता है उनकी रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, एक अच्छा स्टेटमेंट है वहाँ पर, क्रूशियल होता है क्या, उनका इंसरनेशन किया जाता है, बोले तो उनको बर्न किया जाता है, उनको जलाया जाता है, फिर उनको दबाया जाता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा मिसमैच। इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्टेड है उनकी रिसाइकलिंग हो जाती है, सॉलिड वेस्ट सैनिटरी लैंडफिल सही है, डोमेस्टिक सीवेज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह जो उनका यूज करके उनको अपन ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल वेस्टेज हैं उनको रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिसमैच कौन सा है, फर्स्ट वाला। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बाई लोकल कम्युनिटीज इन मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980s had introduced the concept of, डायरेक्ट ये आ गया स्टेटमेंट वाला, ये याद रखने बेटा, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो कौन से कॉन्सेप्ट पर बेसिस था वो, किसको लेके आई थी वो, उसके लिए आपका जाएगा सीधा आंसर है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। डायरेक्ट याद करने के हैं क्योंकि इकोलॉजी में ऐसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, ईयर से पूछ लेते हैं, कुछ इश्यूज वगैरह से पूछ लेते हैं, कब कौन सी चीज प्रस्तावित हुई थी उससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट, द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाई हर्बीवोर्स एंड द डीकम्पोजर इज कोल्ड। अच्छा क्वेश्चन बना है बेटा, ये बात कर रहा है हर्बीवोर्स जो डीकम्पोजर है, जो उस बायोमास को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, ग्रोस पे नहीं जाएंगे अपन, नेट का मतलब जो आपके प्लांट्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने कितना बायोसिंथेसिस किया और रेस्पिरेशन के थ्रू कितना क्या हो गया, लॉस हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो हर्बीवोर्स और डीकम्पोजर के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। तो आपका आंसर सीधा चला जाएगा यहाँ पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज हॉट स्पॉट बायोडायवर्सिटी, बिल्कुल डेटा बेस्ड आ गया, इंडिया के अंदर बात करें तो जैसे ऑप्शन दिए हैं ये नहीं होगा बेटा, ये भी नहीं है हॉटस्पॉट, ये भी नहीं है हॉटस्पॉट, ये है वेस्टर्न घाट जो है वो हॉटस्पॉट में कंसिडर होगा, हिमालय भी है लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन में वेस्टर्न घाट दे रखा है, तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज होम टू द फेमस मस्क डियर, बेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, फेमस मस्क डियर और हैंगुल, ये देखो दे रखा है जो नेशनल पार्क है इनमें किस में ये कंजर्व है, उनका होम जो है पार्क कौन सा है, होम रीजन कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग सीधा आंसर जाएगा, ये याद करने का बेटा, ये जाएगा आपका डेचिगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर, दोनों दे रखे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। गोज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन स्टेट दैट, इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे और ये भी सही किया होगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या है, क्या बता रहा है ये, जैसे अपन बात करें कोई भी एक निके है वहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पीसीज जो है सर्वाइव कर रही है, सोर्स क्या है लिमिटेड है, और यहाँ पर दो अलग अलग टाइप की स्पीसीज अगर ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, कंपटीशन होगा, तो इसके अकॉर्डिंग सीधा कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्स एक्सक्लूड स्पीसीज हैविंग डिफरेंट फूड रेफरेंस नहीं होगा, नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई सेम नीके इनफिनिटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज, सही हो जाएगा ये, वो लंबे समय तक वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिसोर्स क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया, और उनका निके भी क्या हो गया, सेम हो गया, तो यहाँ पर सीधा आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये भी वही डेटाबेस आ गया, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, बिल्कुल करेक्ट है, मीथेन एंड CO2 आर मेजर ग्रीन हाउस गैसेज, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, डॉप्सन यूनिट यूज्ड टू मेजर ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एयर, ये गलत हो गया, डॉप्सन यूनिट जो किसके लिए काम में लेते हैं बेटा अपन, ओजोन के लिए काम में लेते हैं, SO2 ओजोन मेनली किसके लिए, ओजोन के लिए, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है ये इनकरेक्ट है, यूज ऑफ इंसरिनेटर्स इज क्रूशियल, अभी बताया था मैंने, टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्टेज, क्या की जाती है यहाँ पर, उनकी बर्निंग की जाती है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर पूछा गया इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड डायरेक्टली।
plant contain various in length of filament of androecium with their flowers. मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है ये बात कर रहे हैं जो आपका एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के टॉपिक में दे रखा है बेटा, लास्ट एग्जांपल दे रखा है जहां पर जो फिलामेंट उनकी लेंथ में क्या होता है वेरिएशन, तुम्हारे दो ही एग्जांपल दे रखे हैं, मस्टर्ड एंड साल्विया, ओके कर लोगे, जिनमें फिलामेंट की लेंथ में क्या मिलेगा आपको, वेरिएशन मिलेगा, पढ़ा होगा, अब वो थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी होता है, टेटाडायनेमस कंडीशन, डाइडायनेमस कंडीशन, तो आपको सीधा याद रखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो गया फोर्थ. Careful study the following diagram and select the right option. बिल्कुल अच्छा conceptual question है, डायग्राम देखिए आपको पता लग गया होगा, एनसीईआरटी का डायग्राम है, किसका डायग्राम दे रखा है ये बेटा, राइजोफोरा, जो स्वाम्पी एरिया में ग्रो करते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, और आपको पता है ये हेलोफाइल्स हैं, जहां पर साल कंसेंट्रेशन भी क्या होती है, ज्यादा होती है, जो सुंदरबन में पाए जाते हैं, और इनमें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है बिल्कुल क्लियर कट है, ये कौन है, न्यू मेटो फोर्स हैं, दीज आर मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी रूट्स जो अपवर्ड मूवमेंट करती हैं, राइजोफोरा में रूट सिस्टम है बेटा, डाइकोट प्लांट है ये, टैप रूट सिस्टम मिलेगा, तो यहां पर जो टैप रूट्स हैं उनमें होगा मॉडिफिकेशन, जो अपवर्ड मूवमेंट करेंगे और सरफेस से बाहर आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि उनको ऑक्सीजन को क्या करना है, रिसीव करना है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या है, सोइल में काफी डेफिशिएंसी है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आ गया आपका, एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें ऐड भी कर दी, अच्छा क्वेश्चन बन गया. सच रूट्स प्रोवाइड हेल्प टू गेट ऑक्सीजन, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दीज रूट्स आर प्रेजेंट इन दोज प्लांट ग्रो इन स्वाम्पी एरिया, बिल्कुल करेक्ट है, देखो इसमें एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन रहे हैं, दीज रूट्स आर प्रेजेंट इन राइजोफोरा, बिल्कुल करेक्ट है, जिनको मैनग्रोव प्लांट भी अपन बोल देते हैं, These roots are negatively phototropic. ये गलत हो जाएगा बेटा, negatively नहीं है, positively है, क्योंकि ये light की तरफ ही जा रही है, तो ये positive phototropic है, यहाँ क्या लिखा है, negative, तो statement incorrect. They are found in monocot plant, गलत हो गया, ये dicot plant में होंगे, और tap root जो होती है उनका modification में, NCERT में सब दे रखा है, सारे statement उसके according है, तो यहाँ पर देखो कितने correct हैं इसके respect में, 1, 2, 3, तो दे रखा है A, B, C, answer हो जाएगा आपका first. मेरिस्टेम सेल्स आर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया बेटा, सब जानते हो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं, आपने एनाटॉमी के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़े, सारी प्रॉपर्टी दे रखी है, स्मॉल साइज की हैं, थिन वॉल्ड हैं, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म होगा, इसके अलावा जो न्यूक्लियस है कैसा होगा, प्रोमिनेंट होगा, तो देख लो उसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन है, थिन वॉल्ड लेस प्रोटोप्लाज्मिक, गलत हो गया, थिन वॉल्ड डेंसली प्रोटोप्लाज्मिक आइसोडायमेट्रिक विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये बिल्कुल करेक्ट है, थिक वॉल्ड बिल्कुल गलत, थिक वॉल्ड गलत हो गया, सिंपल क्वेश्चन हो गया, आंसर इज सेकंड. व्हाट इज नोट टू अबाउट स्क्लेरिड्स, एनाटॉमी में चले गए बेटा, स्क्लेरिड एंड जो फाइबर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्क्लेरेन्काइमा के एग्जांपल हैं, तो आप बताओ, दीज आर स्क्लेरेन्काइमा सेल विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स, बिल्कुल सही है, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, जो ट्रू नहीं है. दीज आर कॉमनली फाउंड इन द सेल्स ऑफ नट एंड इन द पल्प ऑफ गुआवा पियर, बिल्कुल सही है बेटा, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है. दीज आर इलोंगेटेड एंड फ्लेक्सिबल, ये गलत हो जाएगा बेटा, जो स्क्लेरिड है वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, जनरली इलोंगेटेड नहीं होते हैं, वो किस में चला जाएगा फिर, फाइबर में चला जाएगा. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोन सेल, बिल्कुल सही है, उसमें ब्रेक स्क्लेरिड वगैरह आते हैं, मैक्रो स्क्लेरिड, ऑस्टियो स्क्लेरिड, तो इनको स्टोन सेल भी बोल देते हैं, तो बताओ यहां पर इनकरेक्ट कौन सा हो गया, नोट ट्रू अबाउट स्क्लेरिड, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला थर्ड आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, मैक्रो न्यूट्रिएंट विच इज कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बट नॉट ऑप्टेन फ्रॉम द सोयल, अच्छा क्वेश्चन बन गया, कॉन्सेप्चुअल किसी का गलत नहीं हुआ होगा, आंसर क्या जाएगा, कार्बन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है सबका क्या है, वो पार्ट है, कंपोनेंट है, और सोयल से ऑप्टेन नहीं होगा बेटा, इसको ऑप्टेन किया जाता है CO2 से, एटमोस्फियर से, गैस के थ्रू, आंसर इज फोर्थ, कार्बन. रिमोबलाइज्ड मिनरल बिकम अवेलेबल टू, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, फिर से फिजियोलॉजी का अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां पर, ये सारी चीजें आपकी बेटा क्लियर होनी चाहिए, सॉल्यूशन में केवल आपको ये हिंट दिया जाएगा कि इसका आंसर क्या है, लेकिन अगर कोई टॉपिक अभी भी वीक है आपका तो उसको वापस एनसीईआरटी से फिर से रिकवर करना है आपको, ताकि उससे कोई क्वेश्चन आ गया गलती से गलत ना हो जाए. तो अगर मैं बात करूं प्लांट की, तो ऑब्वियसली जो मिनरल है, एग्जाम्पल दे रखे एनसीईआरटी में कुछ एक एग्जाम्पल, मोबिलाइज हैं, कुछ क्या होते हैं, रीमोबिलाइज या फिर इमोबिलाइज भी होते हैं दूसरे टाइप के. तो बताओ अगर कोई मिनरल
मोबिलाइज्ड है। लीफ की बात करूं, ये कोई यंग लीफ है और ये है आपकी ओल्ड लीफ। मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो कॉन्सेप्ट यहां पर काम आता है। अगर डेफिशिएंसी होगी उस पर्टिकुलर मिनरल की, अगर वो मोबिलाइज्ड है तो ओल्ड लीफ से किधर चला जाएगा बेटा, वो यंग लीफ में। और अगर मोबिलाइज्ड नहीं है तो ओल्ड लीफ से यंग लीफ में नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं वो कहां अपीयर हो जाएंगे आपके, यहां पे। और मोबिलाइज्ड, अगर मोबिलाइज्ड है तो यहां अपीयर होंगे, और अगर मोबिलाइज्ड नहीं है तो यंग लीफ में उसके सिम्टम क्या होंगे, अपीयर होंगे। दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छा दे रखा है एनसीईआरटी ने। तो यहां पूछा गया है रीमोबिलाइज्ड मिनरल बिकम अवेलेबल टू, तो किसको अवेलेबल हो जाते हैं वो, तो ऑब्वियसली किसको, आपकी यंग लीफ को अवेलेबल कर दिए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट, वॉटर पोटेंशियल। वॉटर पोटेंशियल अपने आप में एक टॉपिक है बेटा फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्चुअल बातें सारी है, और उस कॉन्सेप्ट से कोई भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं वॉटर पोटेंशियल की, तो ये लो बेटा आपका प्योर वॉटर है, शुद्ध पानी है, डिस्टिल्ड वॉटर है, इसमें कुछ नहीं है, ये कौन है, सॉल्वेंट है। और आप सब जानते हो बेटा प्योर वॉटर का जो वॉटर पोटेंशियल है वो अपन कंसिडर करते हैं जीरो। वॉटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वॉटर इज जीरो, यहां जीरो का मतलब है मैक्सिमम। वॉटर पोटेंशियल ऑब्वियसली एनर्जी की फॉर्म में लिया जाता है, तो ये जीरो क्या है, मैक्स वैल्यू है, मैक्सिमम है। अगर आप इसमें कोई सोल्यूट ऐड करते हो, एडिशन ऑफ सोल्यूट्स, तो जैसे सोल्यूट ऐड करोगे उसका वॉटर पोटेंशियल क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, क्योंकि जो वॉटर मॉलिक्यूल उनकी फ्री एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो वॉटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। तो बाय एडिशन द सोल्यूट वॉटर पोटेंशियल बिकम डिक्रीज, और ऑब्वियसली सोल्यूट ऐड करते क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। तो यहां देखें आप, अब ये कॉन्सेप्ट है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर पे जाना है। वॉटर पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्योर वॉटर, गलत हो गया बेटा, प्योर वॉटर का जीरो होता है मैक्सिमम, और सॉल्यूशन का वॉटर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू में होगा, तो कम होगा। वॉटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज जीरो, पॉसिबल ही नहीं है। प्योर वॉटर इज जीरो बट सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन जीरो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्योर वॉटर का जीरो और सोल्यूट डालते ही सोल्यूशन बनेगा और उसका क्या होगा, वॉटर पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू में जाएगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अच्छा कॉन्सेप्ट है वॉटर पोटेंशियल का, अपने आप में टॉपिक है बेटा वॉटर पोटेंशियल, और इससे कई क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर पूछा गया है ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, आप जानते हो बेटा ऑस्मोसिस क्या होता है, ये लो ये कौन है SPM, और वॉटर इसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा हाई कंसेंट्रेशन टू इट्स लो कंसेंट्रेशन, और कई इसके पैरामीटर हैं जिसको अपन जो है पैरामीटर के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं इसकी डायरेक्शन को। तो मूव थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम टू, अब आपको जो करेक्ट है वो सेलेक्ट करना है, फ्रॉम लोअर, मैं सारे पैरामीटर लिख देता हूं बेटा आपको याद होने चाहिए, ये लो हाई वॉटर पोटेंशियल टू लो वॉटर पोटेंशियल। अगर सॉलिड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बात करें, सॉलिड पोटेंशियल बोले तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो भी एक ही बात है बेटा, घबरा मत जाना, हाई सॉलिड पोटेंशियल टू लो सॉल्यूट पोटेंशियल। अगर वो बात करें किसकी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो ये देखो बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया तो ये क्या हो गया, लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कोई पैरामीटर के अकॉर्डिंग तुमसे वो बात कर सकते हैं, तो बताओ लो वॉटर पोटेंशियल टू हाई गलत हो गया, हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू लो, ना लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई होना चाहिए था, लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू हाई नहीं, हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होना चाहिए था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ वॉटर लिक्विड फॉर सम टाइम फ्रॉम द स्टम्प्ड ऑफ वेल पॉट आफ्टर कटिंग ऑफ द शूट स्लाइटली अबव द बेस इन ड्यू टू, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये बात कर रहा है ये कोई प्लांट है, आपने क्या किया इसकी कटिंग कर दी ऊपर से, थोड़ा सा बेस से ऊपर, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा वाटर कंटेंट जो है, लिक्विड जो है वो रिलीज होगा। तो ये पूछ रहा है कि इसका रीजन क्या है, उसको काटा जाता है तो जलीय तरल का लगातार उत्वेदन कुछ समय तक कटे हुए ठूंठ में पाया जाता है, तो उसका रीजन क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, ये होता है ड्यू टू द रूट प्रेशर, और रूट प्रेशर की वजह से सब जानते हो आप बेटा गटेशन और ब्लीडिंग दोनों का कारण क्या है,
मूल दाब रूट प्रेशर. ओके तो सीधा आंसर जाएंगे यहां पर, आंसर आ जाएगा आपका रूट प्रेशर. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टैक्सा डज नॉट रिप्रेजेंट सिमिलर कैटेगरी इन हायरार्की. ये बात करें कि सिमिलर कैटेगरी पे कौन से नहीं है, कैटेगरी रैंक वगैरह जो भी आप यूज करते हो टर्म. पोटेटो, ब्रिंजल और टोमेटो, तीनों सेम हो गए, इनके कॉमन नेम दे दिए और इनकी जो फैमिली है वो भी क्या है, सेम है. टाइगर, लॉयन और लेपर्ड, ये क्या है, टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके कॉमन नेम दे रखे हैं और इनका जीनस भी क्या है, सेम है. व्हीट, मोनोकोट और एंजियोस्पर्म, ये बेटा तीनों अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंजियोस्पर्म अपने आप में ग्रुप हो गया, मोनोकोट और व्हीट क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, तो ये सेम कैटेगरी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. यहाँ देखो व्हीट, राइस और मैंगो, ये कैटेगरी क्या होगी, सेम टैक्सा हो गए, केवल कॉमन नेम दिए हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा. आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया से क्वेश्चन आता रहता है बेटा. आर्किबैक्टीरिया हैव सिमिलर सेल वॉल स्ट्रक्चर एज अदर बैक्टीरिया, गलत हो जाएगा, इस ऑप्शन पे नहीं जा सकते अपन, क्योंकि सेल वॉल में क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलता है. कैन नॉट सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, ये भी गलत हो जाएगा बेटा, हार्श कंडीशन में आराम से सर्वाइव करते हैं, हेलोफाइल्स हैं, मिथेनोजेंस हैं, थर्मोफाइल्स हैं. ऑब्टेन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, इनका उनसे कोई रिलेशन नहीं है. अपन एनसीईआरटी की बात करें तो आपको पता है वाटर ब्लूम की बात करें जनरली वहां पर कौन मिलेंगे आपको, जो यू बैक्टीरिया वगैरह हैं, जिसमें आपके बीजीए वगैरह भी होंगे, साइनोबैक्टीरिया भी होंगे. इनक्लूड हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजन, बिल्कुल करेक्ट है. आर्किबैक्टीरिया को जो डिवाइड किया गया ग्रुप में, कौन कौन से ग्रुप है, हेलोफाइल्स, थर्मोफिलिक एंड मिथेनोजन, आंसर इज फोर्थ. ए आर का क्वेश्चन आ गया, व्हेन द साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर आर प्रिंटेड इट शुड बी इटलाइज्ड, सही है, बिल्कुल करेक्ट है. इट इज इटलाइज्ड टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया बेटा. इटलाइज्ड करेंगे प्रिंटिंग करेंगे तो, और ये जो इटलाइजेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके लैटिन ओरिजिन को, तो ए आर दोनों करेक्ट है. और आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन भी हो गया कि क्यों किया जाता है, उसका रीजन बता गया जो लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, आंसर इज फोर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की प्रोफेज में कौन सा जो इवेंट है वो होता है उस पे आपको जाना है. देखो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इनिशिएट, बिल्कुल सही है, प्रोफेज जैसे स्टार्ट होगी जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमोजोम मटेरियल है जो क्रोमेटिन, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है. सेंट्रोमियर स्प्लिट, यही गलत हो गया बेटा, सेंट्रोमियर जो है वो तो एनाफेज में जाकर स्प्लिट होंगे. सेंट्रियोल, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल, बिल्कुल सही है, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होगी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और जो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल थे वो अपने अपने पोल की ओर क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल करेक्ट. तो फर्स्ट और थर्ड दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर. द टू क्रोमेटिड्स ऑफ द मेटाफेज क्रोमोसोम रिप्रेजेंट, ये देखो बेटा जैसे ही रेप्लिकेशन होगा तो क्रोमोजोम जो है किसमें आ जाएगा, डायड फॉर्म में. ओके डायड में ये दो क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, जिनका फॉर्मेशन कब हुआ, ड्यूरिंग द एस फेज. तो टू क्रोमेटिड्स ऑफ ए मेटाफेज क्रोमोजोम रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर, रेप्लिकेटेड क्रोमेटिड टू बी सेपरेटेड एट एनाफेज, बिल्कुल सही हो गया. चलो आगे भी देख, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम कोई लेना देना नहीं है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम कोई लेना देना नहीं है, मैटरनल पैटर्नल क्रोमोजोम ज्वाइंट एट द सेंट्रोमियर गलत हो जाएगा. तो अपन बात करेंगे एक क्रोमोजोम, किस क्रोमोजोम में जो डायड कंडीशन है, दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड आइडेंटिकल होंगे और ये कब सेपरेट होंगे, जब एनाफेज आएगी, तो आंसर आपका फर्स्ट. लाइकेन कैन बी यूज्ड एज एयर पोल्यूशन इंडिकेटर, बिल्कुल करेक्ट है, लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एनवायरमेंट, दोनों बातें सही हो गई, रीजन भी बता दिया, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा ए आर, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. पता है ना बेटा लाइकेन जो है एसओटू के लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जहां पर पोल्यूशन है वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं करते, जिस एरिया में लाइकेन आपको मिलेंगे इसका मतलब वहां पर पोल्यूशन नहीं है. आर्किगोनिया आर नॉट प्रेजेंट इन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आर्किगोनिया की कहानी स्टार्ट कहां से हुई है, आपके ब्रायोफाइट से. तो देखो यूलोथ्रिक्स ये एल्गी हो गया, ग्रीन एल्गी, फिनेरिया, टेरिडियम, पाइनस, तो सीधा ही हो गया ना बेटा, यूलोथ्रिक्स जो है एल्गी है और एल्गी में आर्किगोनिया नहीं मिलेगी आपको, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सिनोसाइटिक कंडीशन इन द फंजाई, बेटा सिंपल हो गया, सिनोसाइटिक कंडीशन का मतलब क्या है, ये जो फिलामेंट है उसमें सेप्टा नहीं होंगे और जो न्यूक्लियस हैं वो बहुत सारे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड,
ये कंडीशन जो है उसको बोलते हैं अपन सिनोसाइट, ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सिनोसाइट। तो देखें ऑप्शन कौन सा होगा, यूनि तो नहीं हो सकता, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा विदाउट सेप्टा, आंसर इज सेकंड। द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, ये तो बेटा सारे क्वेश्चन आंसर है जो आपने खूब किए हैं, कौन होता है बोलो, सीधा आंसर बताओ आप तो, रुबिस्को। एक्टिव साइट कैन बाइंड टू बोथ सी ओ टू ओ टू, हेंस द नेम रुबिस्को, मच ग्रेटर एफिनिटी। ये आपने सारे रीड किए हैं बेटा, ये सारे किससे रिलेटेड हैं, ये रुबिस्को से रिलेटेड है, तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका रुबिस्को। अब देखो इतने सारे आपको एक साथ क्वेश्चन मिल गए, इट प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, इट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ओटो एंड सीओ टू डिटरमाइन विच ऑफ द टू विल बाइंड टू एंजाइम, ये सारे किससे रिलेटेड हो गए, रुबिस्को एंजाइम से। ओके, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन क्रैब्स साइकिल इज, सबने याद कर रखा है बेटा क्रैब्स साइकिल की बात करें, केवल क्रैब्स साइकिल के आपको जो स्टेप्स हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो सबसे पहले एसिटाइल को एंजाइम सब याद है बेटा, किससे बाइंड होगा, कंडेंस होगा किसके साथ, ओ ए के साथ, फर्स्ट प्रोडक्ट कौन होगा, सिट्रिक एसिड, उसके बाद आगे जो भी स्टेप दे रखे उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। एसिटाइल को एंजाइम बेटा तीनों में दे रखा है, चलो आगे चलते हैं, सिट्रेट पाइरुवेट, गलत हो गया ये पाइरुवेट थोड़ा ना बनेगा बीच में, सेकंड पे चलते हैं, एसिटाइल को एंजाइम में सिट्रिक एसिड होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, ऑक्सलोजी, बिल्कुल सही है आंसर आपका, क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, एसिटाइल को एंजाइम में सिट्रिक एसिड, मेलिक एसिड यहाँ नहीं आएगा, मेलिक एसिड तो बाद में बनता है, तो सीक्वेंस का अकॉर्डिंग हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये देखो बेटा एक्स, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेना को, और ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है, फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर होता है। वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, स्ट्रोमा को, और स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, डार्क रिएक्शन बोले तो सीओ टू फिक्सेशन, अकॉर्डिंग टू डायग्राम आंसर पे जाओ, ग्रेना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, स्ट्रोमा, सीओ टू फिक्सेशन, आंसर इज फर्स्ट। द फर्स्ट फाइव कार्बन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इन क्रैब्स साइकिल विच इज यूज्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में दे रखे हैं काफी स्टेप, वहां से क्वेश्चन डिजाइन हो गया, तो कौन सा है वो, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, जो क्या करेगा बेटा अमीनो एसिड फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, और आपको पता है फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा बनता है, ग्लूटामिक एसिड। ओके, आंसर हो जाएगा थर्ड। इन एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन विच जनरेट मोर एटीपी, पूरा आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है बेटा, एटीपी का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है तुम बताओ, एटीपी का फॉर्मेशन देखो, एटीपी फॉर्मेशन के तीन लेवल है बायोलॉजिकल सिस्टम में, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, उसके बाद आएगा आपका जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपने बोलते थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और उसके बाद होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो मैक्सिमेटी का फॉर्मेशन कब होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, इसने बात की है मोर एटीपी। केमीओस्मोसिस ये हो ही जाएगा बेटा, सिंपल है, केमीओस्मोसिस अप्लाई ऑन बोथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता। तो देखो यहाँ केमीओस्मोसिस जो है उसमें केमीओसिस में पढ़ते हैं क्या अपन, जहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटॉन पंप होते हैं, उसके बाद फिर एटीपी सिंथेसिस क्या करेगा, ग्रेडियंट को ब्रेक करेगा और एटीपी का क्या होगा, विगरस फॉर्मेशन होगा। ओके, इन ग्रोथ ऑफ सेल द इलोंगेशन ऑफ द सेल टेक्स प्लेस, इज इलोंगेशन अकर्स बाई, ग्रोथ की बात करें सेल की तो जैसे प्लांट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे अपन बोटनी के, तो सेल में क्या होगा इलोंगेशन, उसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, एक्सपेंड होगी, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एक्सटेंशन ऑफ सेलुलर फाइबर, सेलुलर जो फाइबर है उनमें क्या होगा एक्सटेंशन। कभी पढ़ा होगा जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है एक्सपेंशन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो उनको एक्सपेंड करने में क्या करती है, हेल्प करती है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चूज द अनमैच्ड पेयर ऑक्सिन, ये कुछ इनके एप्लीकेशन दे रखे हैं, डिसलोजिंग ऑफ द मोनोकोट, बेटा बिल्कुल सही है, ऑक्सिन जो है डिसलोजिंग में हेल्प करती है, जिब्रेलिन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये क्या हो गया मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया, जिब्रेलिन का इससे कोई लेना देना नहीं है, इथाइलिन फ्लोरिंग इन एलडीपी, बिल्कुल सही है, एलडीपी में फ्लोरिंग के लिए इथाइलिन जो है उसका यूज किया जाता है, एबीए डोरमेंसी ऑफ बर्ड, एनसीईआरटी से है बेटा बिल्कुल, डोरमेंसी बर्ड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, एबीए स्ट्रेस हॉर्मोन है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। इन टी प्लांटेशन हेज द रिमूवल ऑफ द एपिकल बर्ड कटिंग प्रमोट ब्रांचिंग, दिस इफेक्ट कॉज्ड बाई, इसने क्या बोला, आपने क्या कर दिया एपिकल पार्ट को क्या कर दिया,
हटा दिया यहाँ से, इसको कट कर दिया। तो जैसे एपिकल पार्ट कट करोगे तो ऑक्सिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऑक्सिन नीचे नहीं जाएगा, तो जो लेटरल बड है वहां पर सी के का लेवल क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया। और इसकी वजह से क्या होगा, ब्रांचिंग बोले तो लेटरल बड है उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसने पूछा क्या है, दिस इफेक्ट कॉज्ड बाय, किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से, रीजन क्या है उसका, सी के है, ड्यू टू साइटोकाइनिन। कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है, आंसर इज थर्ड, स्पेशलाइज्ड इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये किसकी बात कर रहा है बेटा, डायरेक्ट लिख ही दिया मीजोसोम। मीजोसोम जो है किसका कैरेक्टर है, आपको पता है बैक्टीरिया में होते हैं, प्रोकैरियोट में, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं ऑल प्रोकैरियोट नहीं होगा। अब ऑल प्रोकैरियोट में तो आपका जो है माइकोप्लाज्मा भी आ गया, तो उसमें थोड़ा ना, मैनी प्रोकैरियोट लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी ना, ये नहीं होगा। सम प्रोकैरियोट लाइक, ये ज्यादा मीजोसोम जो है डोमिनेंट किसमें होते हैं बेटा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऑल एकैरियोट मतलब ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। मैच कॉलम विद अकॉर्डेंस ऑफ द वर्क, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है नीट में, अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेता है। फ्लेजिला सीधा मैच करो आप किससे बेटा, मोटिलिटी से, सॉरी फ्लेजिला मैच विद मोटिलिटी, पिली कॉन्जुगेशन, फिम्ब्री अटैचमेंट, ओके, एंड मीजोसोम हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर देख लो, मैच कर लो, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये सेल बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट से आपके, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। लाइसोसोम और डबल मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, लाइसोसोम की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, डबल मेम्ब्रेनस वेसिकल बडेड ऑफ गोल्जी एपिटल, तो यही गलत हो गया बेटा, लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेनस नहीं होता, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, बिल्कुल सही है। ल्यूकोप्लास्ट आर बाउंडेड बाई टू मेम्ब्रेन, लैक पिगमेंट बट कंटेन देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, बिल्कुल सही है। ल्यूकोप्लास्ट बोले तो टाइप ऑफ प्लास्टिड। स्फेरोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विच आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज एंड लिपिड, देखो लिपिड का फॉर्मेशन भी करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, तो बिल्कुल ये फंक्शन के अकॉर्डिंग हो गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या है, करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया डबल के चक्कर में, तो आंसर है इसका थर्ड, ओके। रोकेफोर्ट चीज डायरेक्ट बताओ बेटा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, ये याद होने चाहिए आपको। रोकेफोर्ट चीज जो है वो किससे प्रिपेयर करते हैं अपन, पेनिसिलियम रोकेफोर्ट। अब अगले पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन है। बीटल्स विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर बायो कंट्रोल एजेंट, बिल्कुल सही है। जो क्या करते हैं, अदर इंसेक्ट पे प्रीडेटर हैं, उनको क्या करेंगे, कंट्रोल करते हैं, लाइक एफिड्स वगैरह, मॉस्किटो वगैरह। बैक्यूलो वायरस इंक्लूड इन जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रो वायरस, बिल्कुल सही है, ये न्यूक्लियोपोलीहेड्रो वायरस जीनस से क्या है, रिलेटेड है। बैक्यूलो वायरस आर पैथोजन, बिल्कुल सही है, दैट अटैक ऑन इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट करेक्ट है। बैक्यूलो वायरस आर नॉट इंक्लूड एज बायो कंट्रोल एजेंट, ये गलत हो गया ना बेटा, क्योंकि आपका जो बैक्यूलो वायरस उसको यूज करते हैं अपन एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, तो फोर्थ रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर राइट अबाउट फूड फॉर्मेशन बाई यूज ऑफ माइक्रोब्स, अच्छा क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेटिव है। रोकेफोर्ट इज प्रीपेयर्ड बाई फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया, गलत हो गया बेटा, ये अभी तो आया था क्वेश्चन, इसके लिए यूज करते हैं अपन फंजाई, पेनिसिलियम रोकेफोर्ट। डोसा एंड इडली डब फर्मेंटेड बाई फंजाई, गलत हो गया बेटा, यहां होना चाहिए बैक्टीरिया, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा, इसके लिए यूज करते हैं बैक्टीरिया, तो ये भी गलत हो गया। बंबू सूट मेक फूड बाई फर्मेंटेशन, बिल्कुल करेक्ट है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का बेटा बंबू सूट, इसके अलावा फिश, इसके अलावा सोयाबीन, उनको फर्मेंट करते हैं और एज ए फूड काम में लेते हैं। लैब कैन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, बिल्कुल करेक्ट है, जो दही है उसमें लैब प्रेजेंट है, उसको अपन खाएंगे पेट में जाएगा, तो जो डिजीज कोजिंग माइक्रोब उनकी ग्रोथ को क्या करेगा, वो चेक करेगा, प्रिवेंट करेगा। ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो अपने आप में ये भी स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये खुद ही रॉन्ग हो गया, तो आंसर होना चाहिए आपका सी डी, दो सही है ऑप्शन में, देखो यहां पर आंसर हो जाएगा सेकेंड। रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये याद करने हैं आपको, याद होंगे लाइफ स्पान ऑफ क्रोकोडाइल इज अप्रोक्स 60 ईयर, बिल्कुल करेक्ट है।
parrot can live for approximately 140 years. Diagram दे रखे हैं तुम्हारे NCERT में, सही है. Life span of rose is less than that of butterfly. गलत हो जाएगा बेटा. जो रोज का लाइफ स्पान है बटरफ्लाई से कहीं ज्यादा होता है. इसका तो कुछ वीक में है और इसका काफी लंबा टाइम है. तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा आपका, ये दोनों सही है. सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. बोथ ए सी आर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. आंसर इज फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर नीलाकुरंजी. आपके एम्ब्रियोलॉजी में दे रखा है, अच्छा स्टेटमेंट है. इससे जो स्टेटमेंट है वो सारे आ ही जाएंगे. फ्लावर ओनली वंस इन 12 मंथ. बेटा ये तो यही पहले ही गलत हो गया. आप जानते हो रट रखा है तो फ्लावरिंग में इनमें कई साल लगते हैं, 12 ईयर. इट आंसर तो हो ही गया, फिर भी आप देख लो इन्फॉर्मेशन. पेरिनियल प्लांट है, सही है. ग्रोइंग लार्ज हिली एरिया, केरल, कर्नाटका, तमिल, साउथ में ये मिलता है. सो मास फ्लोरिंग, फ्लोरिंग मास होती है, बिल्कुल सही. तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द पोलन ग्रेन. द हार्ड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन. पोलन ग्रेन बेटा सब ने याद कर रखा है, ये एग्जाइन है. एग्जाइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, अंदर होती है इंटाइन. एग्जाइन में होते हैं जर्म पोर, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब रिलीज होगी. सब बातें पता होनी चाहिए आपको. पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन. आप जानते हो बेटा स्पोरोपोलिनिन जो हार्डेस्ट क्या है मटेरियल है, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए अभी तक तो कोई एंजाइम जो है नॉन नहीं है. द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन. बिल्कुल करेक्ट है. इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज रेजिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एसिड, कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर. ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. ये स्टेटमेंट किसके लिए है, एग्जाइन के लिए है. तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ. इन जीनोगेमी, पोलिनेशन की बात करें अपन, तो आप जानते हो पोलिनेशन के तीन टाइप दे रखे हैं, ऑटोगेमी, सेल पोलिनेशन, उसके बाद जेटोनोगेमी एंड जीनोगेमी. जीनोगेमी आपको पता है बेटा ये दो अलग अलग क्या है, प्लांट है, फ्लावर, इसके एंथर जो है इस दूसरे प्लांट, सेम स्पीसीज का प्लांट होगा, उसके स्टिग्मा पे क्या हो गए, पोलन ग्रेन रिलीज हो गए. इसको बोलते हैं अपन जीनोगेमी. अब ऑप्शन पे चलें. पोलन ग्रेन ऑफ प्लांट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज. ये इसकी डेफिनेशन ही हो गई. ये देखो फिर भी अनदर टू द ऑफ द फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. गलत हो गया, हो गया होगा, बड़ा सिंपल है कॉन्सेप्ट. आंसर फर्स्ट हो जाएगा. Thalamus contribute in the fruit formation in all the following except private. आपने false fruits, false fruit के example सीधे आपके सामने है बेटा, जहां पर thalamus जो है उस वो fruit wall में convert हो जाता है. तो answer सीधा चला जाएगा, कौन contribute नहीं हो रहा इसमें. answer maize हो जाएगा. apple, strawberry, cashew ये क्या है, ये है आपके false fruit के example. तो इसने पूछा क्या है, contribute in fruit formation all except, except में answer क्या हो जाएगा, maize. Some species of the asteraceae and grass produce seed without fertilization by special mechanism. NCERT का क्वेश्चन है बेटा, without fertilization by special mechanism is called apomixis. उसके लिए कौन सा मेथड है, apomixis. Consider the following statement. Both nucleic acid DNA and RNA have ability to direct their duplication. Correct है, दोनों में replication property present होती है. Mutation occurs in both DNA RNA. बिल्कुल सही है. म्यूटेशन के रेट डीएनए में स्लो है और आरएनए में फास्ट है, दोनों में म्यूटेशन होता है. डीएनए इज मोर रिएक्टिव देन आरएनए. गलत हो गया बेटा, आरएनए इज मोर रिएक्टिव देन डीएनए. आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन. बिल्कुल क्या है, करेक्ट है एनसीईआरटी के स्टेटमेंट. तो आपका आंसर हो जाएगा, देख लो ये पूछा है ए बी और डी कहां है, ए बी डी आर करेक्ट. देखो सी क्या इनकरेक्ट हो जाएगा, आंसर इज फर्स्ट. द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन स्कीम प्रपोज्ड बाय, ये स्कीम प्रपोज किसने की थी, वॉटसन एंड क्रिक ने. लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था, मिजेलसन एंड स्टॉल ने. किसमें, बैक्टीरिया में. और टेलर ने किसने, प्लांट में बोले तो यूकैरियोट में. द मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ढूंढो कहां है ये रहा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. इफ प्रमोटर sequence of lac operon get muted by mutagen, then what would be the effect of this mutation. बेटा सब जानते हो ये lac operon, ये बात किसकी कर रहा है, जो promoter sequence of lac operon get mutated by mutagen. ये promoter है, ये operator है, ये Z, Y और A gene है. इसमें अगर mutation हो गया, promoter में mutation हो गया, तो RNA polymerase bind नहीं होगा, और नहीं होगा तो आगे
जेड वाई ए का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, दिस म्यूटेशन लैक ऑपेरॉन ऑपरेट नॉर्मली, लैक ऑपेरॉन परमानेंटली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, आंसर सेकेंड हो जाएगा. सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, इनुलिन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, बेटा बिल्कुल सही है, काइटिन पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, ये गलत हो गया, काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, सेलुलोज पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज करेक्ट है, स्टार्च पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया आपका सेकंड. इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट डिफर फ्रॉम ऑर्गेनिक कैटालिस्ट बिकॉज, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट और ऑर्गेनिक में डिफरेंस है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. जो ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है बोले तो जो एंजाइम्स हैं अपने बायो कैटालिस्ट, वो ऑर्गेनिक नेचर के हैं, प्रोटीन है मेनली विद सम एक्सेप्शन, तो इनके डिफरेंस में देखो, दे वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर, सो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है बेटा हाई टेम्परेचर पर एफिशिएंटली वर्क करते हैं, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट जो आपके ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है बोले तो बायो कैटालिस्ट, डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे गेट डैमेज्ड हाई टेम्परेचर, ये गलत हो जाएगा सॉरी, दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, गलत हो गया, ऑल ऑफ दिस नहीं जाएगा, तो आंसर इसका फर्स्ट हो गया. सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल तुम्हारे बेटा दे रखे हैं काफी सारे, लेकिन जो बायोमोलिक्यूल उसमें दे रखे हैं आपके सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन और इनुलिन, इनको याद कर लेना बेटा, अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इनसे, इनुलिन. अब सेलुलोज की बात करें, काइटिन की, ये क्या है, स्ट्रक्चरल है कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल. स्टार्च ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज फूड की फॉर्म में काम आते हैं, तो ऑप्शन देखो, दे आर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, सही है, दे आर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, तो आप किस पे जाओगे फिर, थर्ड पे जाना होगा, बोथ आर करेक्ट. ओके, तो ये आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए. अब मैंने आपको पहले बताया था बेटा, आपको लाना है स्कोर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें समय कम खराब करो और आंसर सही करो, और थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है तो उसमें थोड़ा कंसंट्रेट होके सही आंसर पे जाने की कोशिश करो, क्योंकि अब आपको केवल क्या चाहिए, जितनी आपने स्टडी करनी थी हो चुकी है, अब आपको स्कोर गेन करना, और स्कोर गेन करने के अलावा आपको अपना दिमाग भी यूज करना होगा, आपकी नॉलेज को भी यूज करना होगा, पेपर को कवर करने के लिए स्ट्रेटेजी भी काम में लेनी होगी. ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में.